बैठ लेनी एक्सेलसियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। कांग्रेस जो है एक बार फिर से सड़कों पर है और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार को जो है घेराव किया जा रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है। कांग्रेस के नुमाइंदे, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स जो है सड़कों पर है और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जो है आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या की गई है, डेमोक्रेसी की हत्या की गई है, जम्मू कश्मीर में जो है जल्द से जल्द यहाँ पर विधानसभा के चुनाव करवाए जाए और सत्यपाल मलिक कि जिस तरह से लगातार बयानबाजी आ रही है उस पर जो है केंद्र सरकार को जवाब देना होगा, मोदी सरकार को जवाब देना होगा। एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स जो हैं आज सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से जवाब जो है वो मांगने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस वक्त डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, हत्या हो रही है डेमोक्रेसी की, इस वक्त अपोजिशन लीडरों को कुचला जा रहा है। राहुल गांधी के साथ जो खेल रचाया गया, राहुल गांधी के की सदस्यता जो है रद्द कर दी गई, राहुल गांधी जिन्होंने चोरों के खिलाफ आवाज उठाई थी, मुकुल चौकसी, ललित मोदी, नेहरू मोदी के खिलाफ आवाज उठाई थी और केस और जो सजा है उन लोगों को होनी चाहिए थी। सजा अपोजिशन लीडर को होती है जो चोरों के खिलाफ आवाज उठाता है। दूसरी बात यह है जो सत्यपाल मलिक खुलासा कर रहा है, आज कह रहा है कि अगर हमने देश के जवानों को, सीआरपीएफ के लोगों को पुलवामा के टाइम जब वो बम वहां पे स्पोर्ट हुआ, वहां पे जो सानिया हुआ, अगर उस टाइम हमने चांस दिए होते तो ऐसा नहीं हुआ होता, आज हमारे जवान 44 जवान शहीद नहीं हुए होते, आज पूरा देश रो रहा है। और इस बात का दूसरा खुलासा जब उन्होंने किया, कहा कि जो एडवाइजर, जो सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल और मोदी जी ने मुझे मना किया कि इस पे बात मत करो, तो अफेयर्स की गलती है, तो आज उनको देश से माफी मांगनी चाहिए, शहीदों के परिवारों से माफी मांगनी चाहिए। आज देश बहुत दुखी है कि इन लोगों की वजह से ये ऐसा हुआ। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, कांग्रेस के वर्कर्स जो है कांग्रेस के ऑफिस के बाहर एकत्रित हुए और यहाँ पर जो है उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। केंद्र सरकार के सामने जो है कई सवाल उन्होंने खड़े कर दिए गए। आज उन्होंने राजभवन की तरह कूच करने की कोशिश की लेकिन पुलिस बल ने जो है रास्ते पर ही रोक दिया। फिलहाल उनकी यही मांग है कि मोदी सरकार को जो है माफी मांगनी चाहिए और जब तक मोदी सरकार माफी नहीं मांगती इनका विरोध प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल नितिन कनौता और मुझे रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेलसियर न्यूज।